लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से एक निर्दयी अध्यापिका की पिटाई का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक स्कूल टीचर ने एक छात्र को जोरदार थप्पड़ मारा जिससे बच्चे के कान से खून आने लगा और इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं अब बच्चे के परिजनों ने थाने में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अगली खबर मऊ से है, जहां तलीमुद्दीन स्कूल में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात अभियान चलाया गया जिसमें 18 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध बताया गया। इसी के साथ हेलमेट का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए। बच्चों को जागरूकता अभियान 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक हमारे एडीजी एफी महोदय के निर्देशानुसार चल रहा है। हम लोग सभी विद्यालय में घूम घूम करके हर जगह जाकर के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि जिन बच्चों की उम्र 18 साल अधिक पूरी नहीं हुई है वो बच्चे किसी प्रकार का वाहन न चलाएं। जब इनकी उम्र 18 साल हो जाएगी, इन्हें लाइसेंस मिल जाएगा, तब ये अपना वाहन चलाएं और उस बात के लिए ये बच्चे जाकर के अपने परिवार में अपने इष्ट मित्र से और उस स्कूल में सब बच्चों को जागरूक भी करें। ये अभियान के तहत मुझे उम्मीद है सभी बच्चों जो आज पढ़ा गया है तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में मैं आया हूँ, ये बच्चे जा करके यहाँ लगभग 100 बच्चे थे, ये बच्चों को बताएंगे और उम्मीद है कि सब बच्चों को जागरूक करेंगे और भविष्य में किसी प्रकार का ऐसा वाहन न चलाने के लिए इन लोगों ने शपथ। कांवड़ यात्रा रूट पर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फलों के ठेलों पर बेचने वालों के नाम की तख्ती लगाई, पोस्टर भी लिखकर खुद ही वहां पे चिपकाया। सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। वहीं आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के दुकानों पर नेम प्लेट के फरमान के ऐलान के बाद से ही प्रशासन ने तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रतापगढ़ के पौराणिक स्थली बाबा घुसरनाथ धाम में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भगवान शिव की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। संगमरमर की खूबसूरती में तराशे गए महादेव की ये प्रतिमा 15 टन के वजन के साथ 15 फीट ऊंची है। इस मौके पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना की इस सोच से बाबा धाम में सई के मध्य भगवान शिव की प्रतिमा आस्था और श्रद्धा को निरंतरता प्रदान करने में काम आएगा। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।